2024 के चुनाव बेहद करीब हैं और इसीलिए हर राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। लेकिन इससे पहले कि अपनी रणनीति को अंतिम रूप दिया जाए, कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल कद्दावर नेता, मुंबई से एक सांसद दो बार रहे, केंद्रीय मंत्री रहे मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। लेकिन उन्होंने ये इस्तीफा अचानक नहीं दिया, इससे पहले भी उन्होंने अपने हाईकमान को यह संदेश दिया था कि सीट बंटवारे को लेकर के फैसला पार्टी जल्द से जल्द कर ले। दरअसल उनकी मंशा दक्षिण मुंबई की सीट से फिर एक बार चुनावी मैदान में उतरने की थी कांग्रेस पार्टी की टिकट लेकर। लेकिन क्योंकि यहां इस वक्त कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच गठबंधन है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से ही अरविंद सावंत इस समय दक्षिण मुंबई सीट से सांसद हैं, ऐसे में कहीं से दूर दूर तक ये उम्मीद नहीं थी कि मिलिंद देवड़ा को ये टिकट मिल जाएगी कांग्रेस पार्टी की ओर से दक्षिण मुंबई सीट से, और टिकट बंटवारे में कांग्रेस शिवसेना से ये सीट हासिल कर पाएगी। और ऐसे में जबकि अपनी गुहार उन्होंने हाईकमान तक पहुंचाई, इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई क्योंकि संकेत साफ थे कि उनकी इच्छा कांग्रेस पार्टी पूरी नहीं कर पाएगी। वहीं दूसरी ओर यहां शिवसेना की एक ऐसी पार्टी सत्ता में है महाराष्ट्र में जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है एकनाथ शिंदे की अगुवाई में, और उनकी पार्टी की ओर से एक खुला आमंत्रण भी दे दिया गया था कि अगर किसी को भी अपनी पार्टी में सही जगह और सम्मान नहीं मिल रहा है तो उनका स्वागत है, उनका पूरा सम्मान किया जाएगा। मिलिंद देवड़ा को एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ओर से ये एक खुला ऑफर था और आखिरकार हुआ भी वही, कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफा दे दिया और एकनाथ शिंदे के साथ मिल रहे हैं। और अब माना यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी संभवतः उस सीट से उन्हें टिकट दे भी देगी जहां से इस वक्त उद्धव ठाकरे गुट के नेता सांसद हैं, और ये बेहद दिलचस्प सियासत भी होगी। लेकिन खास बात यह है कि अपनी पार्टी को छोड़ने का फैसला करते हुए खुद मिलिंद देवड़ा ने यह संदेश दिया कि 55 साल का एक पुराना नाता कांग्रेस पार्टी से, और आज यहां वो उसे विराम लगा रहे हैं क्योंकि उनके पिता केंद्रीय मंत्री रहे, कई बार सांसद रहे, और ये अपनी पिता की विरासत को दक्षिण मुंबई की लोकसभा सीट से बकायदा संभालते रहे, सूचना प्रसारण राज्य केंद्र में मंत्री भी रहे। और मिलिंद देवड़ा ने जब आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, एक नई पारी की शुरुआत उन्होंने की, और इसके लिए वो बप्पा के दर्शन करने के लिए पहुंचे, और इसके बाद जिस तरह के संकेत हैं कि राहुल गांधी जहां एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, उसी दिन उनके बेहद करीबी रहे युवा नेताओं की फौज में से एक बड़े चेहरे मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन राहुल गांधी की यह करीबी नेता युवा नेताओं में इकलौते नहीं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, इससे पहले भी कई नेता इसी तरह एक एक कर पार्टी छोड़ चुके हैं। और अब ये दिन बेहद अहम था, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता इस दिन को लेकर के भी आरोप लगा रहे हैं कि आज ही मिलिंद देवड़ा ने आखिर पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया। इसकी रूपरेखा पटकथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है, टाइमिंग उन्होंने तय की है। विपक्षी चाहे जो भी आरोप लगाएं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा झटका राहुल गांधी को लग चुका है जो कि एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और 2024 में पूरे दमखम के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए पूर्व से लेकर पश्चिम तक की देश भर की यात्रा पर फिर निकलने वाले हैं। लेकिन अब बीजेपी के नेता राम कदम ने आरोप ये लगाया कि जहां वो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, कांग्रेस छोड़ो का अभियान तेजी से चल रहा है। और एक और नेता बीजेपी के जिन्होंने ट्वीट करके कहा कि दरअसल न्याय यात्रा राहुल गांधी देश में चला रहे हैं लेकिन अपनी ही पार्टी के नेताओं को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपनी पार्टी के नेताओं को ही न्याय देना चाहिए, उसके बाद देश की यात्रा आगे बढ़ानी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप की सियासत के बीच चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, लेकिन बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को लग चुका है। देखना यह है आगे किस तरह की रणनीति पार्टियां बनाती है और एक दूसरे को मात देने के लिए अब इस सियासी समीकरण को जोड़ तोड़ के साथ आगे बढ़ाते हुए जीत हासिल कर पाती है।